हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुबशिर ट्री ऑफ नॉलेज वन की तरफ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू पुट फार्मूलाज इन एक्सेल। दोस्तों, ये हम सेल में कुछ लिखते हैं, कुछ नंबर तो लिखते हैं, ये 34, 56, 89, ठीक है, ये हमने कुछ ये नंबर्स लिख लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ये वाले जो कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, इस साइड को ये रोज हैं, ठीक है, और ये देखें इनका नाम है ए, और इधर से ये रो का नाम वन है, तो लेकिन जब ये फार्मूले में लिखेगा तो ये कॉलम और रो का नाम इकट्ठा मिला के ए वन इस तरह लिखेंगे। अब हमने इसको प्लस करना है, ये जो मैंने लिखी है, जो नंबर लिखे हैं, जो काउंटिंग लिखी है, ये मतलब ये वाले डी कॉलम में प्लस करना है, तो किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने जो भी एक्सेल में फार्मूला पुट करते हैं उससे पहले इज इक्वल टू का जरूर लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ, ये पैरेंथेसिस लगा देनी है, ठीक है, क्लोज भी कर देनी है और ओपन भी, और इसके सेंटर में कर्सर लाना है। सेंटर में कर्सर ला के तो जो हमने नंबर ऐड करने हैं, ये देखें इस तरह फ्लो सा बन गया। अब अगर हमने इसको ऐड करना है तो ये देखें, ये आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा, ये प्लस का, इसको हमने इसके बिल्कुल कोने पे ला के, ठीक है, ये जो ये डॉट, इस कोने पे आपको डॉट नज़र आ रहा होगा और ये एरो का निशान आ गया, मतलब अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें, अब हमने इसको नीचे तक ड्रैग किया, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, ए वन टू ए थ्री तक, ए फोर तक, और जहाँ तक भी हमने ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल हमने बाद में जो अभी खाली सेल है उधर हमने बाद में इधर अमाउंट वगैरह लिखनी है, ठीक है, तो लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो हम अमाउंट लिखें वो भी इसमें ऐड होती जाए, तो मतलब हमने ये 20 नंबर सेल तक ऐड करना है, ठीक है, तो हम इधर तक ड्रैग करके तो छोड़ के तो इंटर कर देंगे। ये देखें इधर 268 लिखा आ गया। अब देखें इधर तक ड्रैग किया था तो अभी हम इधर एक और अमाउंट लिख के देखते हैं 100, ये देखें इधर से अभी इधर से अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये 368 हो गया प्लस इधर 50 लिखा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सम का, ठीक है, और इसी तरह हमने अब डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो कोई सेल्स को, ठीक है, दो सेल्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई या करना हो, ठीक है, उसके लिए माइनस के लिए तो अगर हमने पूरे कॉलम को मतलब करना है, इज इक्वल टू, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू, ये मतलब इस कॉलम को उस कॉलम में से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस अब ये वाला, ठीक है, अब इंटर कर देंगे। ये देखें ये पूरा कॉलम, अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा ये वाला कॉलम इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। इसी तरह मल्टीप्लाई अगर करना हो तो इज इक्वल टू पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है, फिर हमने सेंटर में निशान लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई का या वो वाला हमने सिंबल लगा के इक्वल टू ये वाला कॉलम, अब ये वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला कॉलम, ठीक है, ये इंटर कर दिया, ये देखिए ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूलाज लगा सकते हैं एक्सेल पे और कोई भी हम डाटा वगैरह बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।